मैकलरन एल्वा, ये कैसी है ये? अबे पगानी हुआरा, लैम्बोर्गिनी 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 किसी को चाहिए भाई, इस बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। पैसे दो लेके जाओ, पैसे दो लेके। सब्सक्राइब टू आईपीएम व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई कैसे हो आप लोग? Hope you all are having a very good day. फिलहाल मैं और जनन जा रहे हैं लेने के लिए मेरा कुछ कार का सामान एंड अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट. So let's go. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. लेकिन भाई गर्मी, भैया गर्मी इतनी बढ़ क्यों गई है यहाँ पे? अभी कम होगी इस समय तो बहुत ज्यादा है। और ये आगे एमिरेट्स मॉल, मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल अल कूद एरिया में। एक कट अंदर लेते ही जो पूरा दुबई था बदल गया और एक अलग सी दुनिया हो गई है। कैसे लग रहा है? शेख जायद रोड वाली रोड है, वहाँ से अंदर लिया भाई, बिल्कुल ही अलग सिटी सी हो गई है। ऐसे पता नहीं कहाँ हम आ गए। तो ये है शॉप और यहाँ से मेरे को लेना था ये स्पेयर पार्ट, बस अपना जो सामान है शॉपिंग ये हो गई है कार्स की और अब हम फ्री हैं। अभी वैसे हम जा रहे हैं क्यू मोटर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स होती हैं, तो ये इससे लग्जरी तो कोई है ही नहीं दुबई के अंदर फिलहाल। तो यहाँ पे जाके बस देखते हैं सारी कार्स वगैरह और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और बिल्कुल मेरे सामने आ गया बुर्ज अल अरब। एंट्रेंस पे आते ही भाई जो तो गाड़ी हमको दिखी है ना वो अलग दिख गई है यार, इससे लग्जरी यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई और कार स्टोर है। इस शोरूम के अंदर जितनी सारी कार्स है ना आपको कोई नॉर्मल कार नहीं दिखेगी यहाँ पे। नॉर्मल कार्स एज इन की लैम्बोर्गिनी हुराकन वगैरह इतनी नहीं दिखेंगी आपको, यहाँ पे सारी दिखेंगी रेयर कार्स, बिकॉज लैम्बोर्गिनी यहाँ के लिए थोड़ी सी एक बोलते हैं ना कि कॉमन कार में आ जाती है। यहाँ पे एंटर करते ही बिल्कुल सामने है पोर्श 918 स्पाइडर, लेकिन यहाँ पे मैक्लेरन एल्वा भी है जो कि है रूफलेस मैक्लेरन। सारे ही चेकआउट कर रहे हैं मैक्लेरन एल्वा कि कैसी है ये, और ये रूफलेस है ना कुछ अलग सी चीज़। मेरे को तो सबसे अच्छी लगी यार ये मैक्लेरन एल्वा। और यहाँ पे पगानी हुआरा भी अवेलेबल है, यहाँ पे जितनी सारी कार है ना सारी फॉर सेल है। जो इसके डोर्स हैं उन पर साइड मिरर्स नहीं है, इसके बिल्कुल आगे लगा रखे हैं इसके हुड पे या फेंडर वाले पार्ट पे। और जितना भी कुछ आप देख रहे हो गाड़ी में ब्लैक वाला पार्ट वो सारा कार्बन फाइबर है, बिकॉज यार ये जो गाड़ी है ना ये ऐसा ब्रांड है कि इनकी जो इंटीरियर्स होते हैं इनकी गाड़ी की क्वालिटी वो इतनी बढ़िया होती है, बिकॉज दिस इज अ स्वीडिश ब्रांड। बट व्हाट इफ आई से यू गाइस की जो सामने है वो रूम में तो इनसे भी रेयर कार्स हैं, क्या करोगे? मान लोगे? अभी दिखाता हूँ चलो कुछ इधर जा करके। मतलब आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर कोई लग्जरी कार शोरूम है दुबई में। जब मैं पहली बार आया था दुबई में सीधा गया था एक शोरूम पर जो कि उस समय डील्स ऑन व्हील्स हुआ करता था, बट अब वो फिलहाल हो चुका है क्लोज। बट जो उस समय मैंने कार्स देखी थी आगे एक्सपीरियंस करा था, तब से अब तक दुबई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है 2019 से अब तक। मतलब भाई अब तो गाड़ियों का हेवन बन गया है ये। दुबई में आपको एक ला फरारी ऐसे ही चलती हुई मिल जाती है, जैसे कल हम फैशन एवेन्यू गए तो वहाँ पे एक आ रही थी ला फरारी, तो भाई और मेरी थोड़ी सी ना तू तू मैं हो गई कि मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं ये ला फरारी नहीं आएगी, और ये कह रहा ला फरारी है, मैं कह रहा था नहीं नहीं यार 458 होगी या 488 होगी, लेकिन निकली ये। मैंने क्या कहा था जो लैम्बोर्गिनी की हुराकन है वो यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो ये हुराकन के स्पेशल मॉडल्स रखते हैं यहाँ पे, ये STO रखते हैं। सेम ये कलर एक येलो में अवेलेबल है और इसमें है, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली येलो, बिकॉज मेरे को ज़्यादा पसंद है आई कैची कलर्स। अच्छा यहाँ की एक और बात है कि यहाँ पे जो गाड़ी है आपको वो तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन एग्जांपल यहाँ पर कोई हरी कार मिलेंगी एक ऐसे कलेक्शन लाइक ये एक्सक्लूसिव होंगी ऐसे ही बुगाटी है, तो ये भी कोई ना कोई स्पेशल मॉडल ही होगा यहाँ पे, जो स्पेशल कार्स हैं वही रखते हैं हमेशा, कोई नॉर्मल कार्स ही रखते हैं अपने पास में। ऐसे मेरे पास में गलाडो है जिसको बिल्कुल टॉपेस्ट मॉडल आता है वो सुपर वगैरह आता है, तो यहाँ पे ये सुपर वगैरह पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ 570-4। अपने पास तो गलाडो है बट ये सुपर लगा रहा है, लेकिन उसका सबसे सबसे हाईएस्ट वर्जन होता है वो वाला, सेम लुक्स में है बट ये ज़्यादा तेज़ भागती है। अब यहाँ लैम्बोर्गिनी और उसका पूरा भंडार लगा हुआ है, और सब ये नहीं नॉर्मल लैम्बोर्गिनी और उसको कोई मैंसरी है तो कोई हैवी नहीं है, और ये देखो ये तो मतलब मैंसरी किट लगा के तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी लग रही है, लग ही नहीं रहा कि लैम्बोर्गिनी और उसे कहीं से, इसमें पूरा ही पार्ट्स कार्बन फाइबर के हैं। कुछ इसकी ऐसी हैं लुक्स फ्रंट से मैंसरी की, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है ये। GLS Maybach 600 जस्ट रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन इसका यहाँ पे क्रेज़ देख लो, वो शोरूम वो एंट्रेंस है और बिल्कुल दिख भी नहीं रही है, और यहाँ पे G-Wagon भी देख लो कैसे खड़ी हुई है, मतलब दिख भी नहीं रही है इतनी अंदर खड़ी होती हैं। इफ़ यू आर बाइंग अ G-Wagon इन दुबई, ब्रैबस किट या मैंसरी किट कंपलसरी है आपके लिए। तूने सुना होगा भाई G-Wagon में V8 आता है नॉर्मल, यहाँ पे G-Wagon V12 है बाय टर्बो। सबसे जो रेयर कार्स हैं यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव हैं वो ये हैं एस्टन मार्टिन GT12। अब गाइज ये आपको मैं बताना कमेंट्स में ये रेयर क्यों है और ये यहाँ पे स्पेशली क्यों खड़ी हुई हैं सारी, कुछ ना कुछ इनमें होगा ना यूनिक।
मैं जो भी बोलूँगा जनरल को बस एक बात बोलूँगा कि अगर तक नहीं पता गाड़ी कौन सी है तो क्या पता कि फोटो की जरूर खिंचवा ले, बिकॉज जब वीडियो डलेगी ना तब तक पता लगेगा कौन सी गाड़ी है। गाइज मेरे पीछे ना मैकलरन खड़ी है SLR मर्सिडीज 722 और यहाँ पे इसको भी एक नॉर्मल कार की तरह गिनते हैं ये लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो है और ये इतनी ज़्यादा रेयर है बिकॉज ये 0 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और अब आजकल तो कहीं नहीं मिलती, वो भी इतनी मेंटेन्ड ब्रांड न्यू गाड़ी। यहाँ पे अपोलो एस कम्फर्ट भी है जो कि 4.8 का इंजन है V8 और ये भी कार मतलब मैंने एक बार देखी इससे पहले, वो तो मैंने कहीं पर ही देखी थी और जब कार से मैं यहाँ पर आया था मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन जो गाड़ी यहाँ पे एल्वा खड़ी है यानी गुआरा खड़ी है वो तो सुपर सुपर रेयर है यार। पोर्श GT2 RS जिसके अंदर आप ज़रा देख लो, ये तो आता ही है चलो सीरीसिंग चीज़ इसके अंदर, लेकिन इसकी मेन कस्टमाइजेशन है वो आपको जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे हर गाड़ी स्पेशल है, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स कार्बन फाइबर के। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी आपको मिल जाएंगी मार्केट से, बिकॉज एग्जाम्पल भाई अगर तू गाड़ी बुक करवाता है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसके बाद क्या होगा कि जो गाड़ी है वो शोरूम वाले वेटिंग करते हैं, 1-2 साल की वेटिंग होती है, बिकॉज ये भाई बहुत सारी रेयर गाड़ियाँ हैं, तो उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं आपसे ये पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ पे तो गाड़ी जो हर पहली बार हरी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं तो आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, और कुछ का मतलब ये नहीं कि 50-60 हज़ार दिरहम ले लिया, यहाँ पे भाई बात चलती है करोड़ों में फालतू में कि हम इतने फालतू लेंगे, और लोग लेके जाते हैं बिकॉज भाई लोगों को टाइम की वैल्यू है। जनरल पिक एनी कार जो तेरे को आती है समझ कि ये तू मीटिंग कर सकता है और ये इंडिया के हिसाब से बनी हुई है। 911 एनी डे, एक तो V6 इंजन है, आवाज़ भी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है और एरोडायनामिक चॉइस भी अच्छी है। इसको मैं बोलता ना मैं कि तू बस ये कोई गाड़ी बता कोई बढ़िया से चूज़ कर, ये मैं बोलता मैं ये ले लूँगा इसको मैं बेच दूंगा। मैं बात बेचने की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसमें प्रैक्टिकल कार की। दुबई में सारी कार प्रैक्टिकल है, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो इतनी अच्छी हैं स्मूथ हैं। अब ये देख लो भाई जब मैंने कल मैकलरन एंड करी थी उसकी जो माइलेज गाड़ी की इतनी तगड़ी निकली कि मतलब 2000 रुपये के पेट्रोल में जब आया कम से कम कुछ 30 लीटर उसमें वो रेंज दिखा रही थी 200 किलोमीटर की। लैम्बोर्गिनी 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 किसी को चाहिए भाई इस बताओ जल्दी से बताओ 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 V12 लैम्बोर्गिनी यहाँ पे एवेंटाडोर, ये एक और एवेंटाडोर, वो SVJ एवेंटाडोर रोडस्टर वाली, ये ऐसी नहीं गिरी जैसे जो सेम गाड़ी कल उसमें आई थी ब्राउन रंग वाले गाने में, कुछ ऐसा ही टोन था उस गाड़ी का भी, लेकिन अगेन ये 0 किलोमीटर वाली गाड़ी है वो उसमें चल रही थी ना। आप लोगों ने भाई बुगाटी बहुत देखी होंगी आज तक, लेकिन पूरी बुगाटी कार्बन फाइबर में हाँ इंटीरियर प्योर वाइट है, विंटर एडिशन है गाड़ी का ये। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं, हमें और भी काम है, गाड़ी आपको देख ली बिकॉज एक्चुअली आज हमारा दुबई में लास्ट डे है, उसके बाद में आप लोग देख कल देखना शॉपिंग वाला ब्लॉग, तो मैं उस गाड़ियाँ बहुत सारी देख ली। अब अगली बार कब आना, जल्दी आएंगे वापस, अगली बार हम यहाँ पे करके आएंगे प्लान कि कम से कम और टाइम गुजारे, मतलब यहाँ पे जितना टाइम आप गुजारते हो ना उतना कम पड़ जाता है आपको। लेट है जो आपका टैक्सी में बैठने की कॉस्ट है वो है मिनिमम 5 दिरहम का जो आपका बेस फेयर है वो, और अगर एग्जांपल आप एक जगह बैठे हो और आप सामने सामने जाके उतरते हो तो आपको देने होंगे इनको कम से कम मिनिमम 12 दिरहम, वो यहाँ का है बेस चार्ज और ये शुरू होगी 5 दिरहम से, और पर किलोमीटर इट्स लाइक समथिंग 2 दिरहम है, तो 42-45 रुपये मान लो पर किलोमीटर। तो कहीं भी अगर आपको जाना है तो टैक्सी इज एक्सपेंसिव ओवर हियर, तो आप ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल हर जगह आपको मेट्रो भी ट्रैवल करना वो भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल एक जगह मेट्रो नहीं जाती वहाँ पर आपको टैक्सी पिक करनी पड़ेगी। जनिल भाई तेरे दोस्तों का होटल सस्पेंस बिना इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी है मैंने, तो मेक श्योर गाइस फॉलो मी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है YPM व्लॉग्स, बिकॉज़ यहां पे आई कीप पोस्टिंग रील्स एंड ऑल लाइक वैसी ऐसी। तो ये एरिया है सिटी वॉक और यहां पे मैं आ गया हूं खाने के लिए अपना लंच, भाई बहुत तेज की भूख लग रही है, जनिल भाई वो भी पैकिंग कर रहा है। ये अलबैक स्टोर के बाहर हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस फूड चेन है, ऊपर से इनका जो खाना है वो बहुत ज्यादा सस्ता है। दुबई में 5 दिरहम में कुछ नहीं मिलता तो खाने के लिए, और यहाँ पे पूरा 5 दिरहम में मील मिल जाता है अच्छा खासा, इसलिए लोग लाइन के लिए वेट करते हैं, और लाइन यही नहीं वो सामने देखो वो असली लाइन है, ये तो सिर्फ अभी पिकअप के लिए है। दुबई मॉल के अंदर ये डायनासोर के फॉसिल से पूरा ये डायनासोर बनाया हुआ है और ये रियल है पूरा, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जब ये पाया गया था तो पूरा ये स्लीपिंग कंडीशन के अंदर था और कुछ ये ऐसा सा हुआ होगा। अदनान भैया कैसे हो? कैसे बस्ती है, आप बताओ? मैं बहुत बढ़िया। पास हो जाएगा, खैर उदीन। क्या हो गया भैया, वेट गेन कर लिया? अराउंड 5 kg। तो बस गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय। पकड़ लिया भाई, रेडबुल में कॉफी मिला के पी ली।
भाई यार किसकी वजह से पीते हैं भाई? किसने बोला इनको? जादू ने इतना बेहतरीन मशवरा आप ही ने दिया, एडवाइस किया। बंद कर उसको।